नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 सितंबर गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी थाना क्षेत्र में सूने मकानों और स्कूलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह से जुड़े लोग उस समय पुलिस की गिरफ्त में आए जब वे बाईपास पर चोरी का माल बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी झुंझुनू जिला के बिरोल ढाणी जाजड़िया निवासी प्यारे लाल, बिरोलढाड़ी खरबास निवासी लखसर जाट, मोहब्बतसरी निवासी कालू उर्फ अशोक पूनिया वे नुआ निवासी मनोज कुमार जाट हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले 2 वर्ष से झुंझुनू में सीकर जिला में सोने मकान में सरकारी स्कूलों को निशाना बनाते थे। इस दौरान करीब 1 करोड़ की राशि की वारदात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के धार में सड़क हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सभी राजस्थान के निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं। वे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे थे। ड्राइवर को अल सुबह 3:15 बजे झपकी आ गई। इससे इको वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर पहुंची टोल प्लाजा एम्बुलेंस से घायलों को बदनावर के सिविल अस्पताल लाया गया है। कार में 6 बच्चे समेत 13 लोग थे। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। उनका इलाज जारी है। 3 लोगों की हालत काफी गंभीर है। उन्हें रतलाम रेफर कर दिया गया है। टीआई के अनुसार हादसे में 45 वर्षीय किशोर, 12 वर्षीय कमल और 40 वर्षीय रामकन्या की मौत हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद में दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए निजी अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जिम्मी जिंदल को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलवंत सिंह की कोर्ट ने 5.5 साल की कैद में 50,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 376C के तहत डॉक्टर जिम्मी जिंदल को सजा सुनाई। याद रहे कि 25 अक्टूबर 2017 को डॉक्टर जिम्मी जिंदल पर एक युवती ने नशीला पदार्थ खिलाकर अपने घर ले जाकर उसका रेप करने का आरोप लगाया था। यह युवती डॉक्टर से इलाज करवाई थी। आरोप है कि डॉक्टर जिंदल उसे बहला फुसलाकर मॉडल टाउन स्थित अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में हुए युवक के मर्डर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसटी साउथ और मुहाना थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मामले में फरार चल रहे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात में महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यह कार्रवाई डीसीपी साउथ हरिंदर महावर के निर्देशन में हुई है। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र में आज सुबह बबूल के पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। युवक के शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक 23 वर्षीय हनुमान इटावा कस्बे के शोपुरिया गांव का निवासी था। एक दिन पहले ही उसके पिता से कहासुनी हुई थी। पिता ने घर पर टाइम पर आने के लिए कहा था। मृतक के पिता सीताराम ने बताया कि वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। हनुमान उनके इकलौता बेटा था। 4 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। तब से ही उसकी पत्नी मायके में रह रही थी। हनुमान अक्सर घर पर देरी से आता था। इसी बात को लेकर हनुमान से समझाइश की थी, उसे घर पर जल्दी आने को बोला था। पता नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा लेगा। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के तिजवड़ में 20 से ज्यादा लुटेरों ने एक ढाबे पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की और होटल के गले से 2 लाख रुपए भी लूट लिए। होटल के स्टाफ व ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल संचालक ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के नाल मोखी के समीप एक सड़क हादसा हो गया जहां निजी सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 2 मासूम सहित 5 लोगों की चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को निजी वाहन से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया है जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक मासूम व महिला सहित 3 लोगों को जिंदा अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पाखड़ की ढाणी में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल हो गए, वहीं एक अधेड़ की मौत हो गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर बोलेरो चढ़ाने का भी प्रयास किया। हमले में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है जहाँ एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है जहाँ समाचार लिखे जाने तक पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया जारी थी। पुलिस ने जिला अस्पताल में पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया है।
चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना क्षेत्र के धामचा ग्राम पंचायत के गांव धर्मदास जी का खेड़ा में बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई, जबकि 3 भेड़ पालक झुलस गए। हादसे में 50 भेड़ों की भी मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मारवाड़ से आने वाली भेड़ों के डेरे पर बिजली गिर गई। मृतका की पहचान सुगना देवासी निवासी सुमेरपुर पाली के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पाली जिले के सोजत सिटी थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले अपने पीहर से ससुराल पहुंची विवाहिता द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पीहर पक्ष के बाड़मेर से सोजत पहुँचने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर शहर में चोरों का गैंग लगातार सक्रिय है। ताजा मामला महामंदिर थाना क्षेत्र का प्रकाश में आया है, जहां एक सोने मकान में चोरों ने धावा बोल लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। न्यू BJS कॉलोनी निवासी मोहन सिंह राठौर ने बताया कि वो परिवार समेत गांव गए हुए थे। पीछे से चोरों ने घर में रखे 35 तोला सोने के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 17 लाख है, 1-1 किलो चांदी की छड़े जिनकी कीमत करीब 5 लाख है, के अलावा डायमंड की अंगूठी और करीब 40,000 रुपए लूट लिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.